मोदी नगर के अंदर भी यहाँ पे रावण लगे हुए हैं। चलो जी अब हो गया शुरू रावण दहन। अंकल पे गिरा दिया उसको। अंकल जी इन्होंने गाड़ी ले ली बिना पूछे। Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. Well, so what is up guys? YPM Vlogs back here. तो भाई क्या हाल चाल है आप लोगों के? आज है दशहरा, आप सब लोगों को हैप्पी दशहरा। और अंकल जी रावण देखे आपने सारे एरिया के? हाँ भैया देखा, बहुत अच्छा लगा। हाँ बच्चों ने ना अपने हाथों से तैयार करा रावण। हाँ, और मतलब कलाकारी एक नंबर की है। तब को दिखाऊंगा अलग अलग टाइप के आज की वीडियो के अंदर रावण। और जब भी मैं ब्लॉग रिकॉर्ड करता हूँ ना दशहरे पे, मेरे को आती है मेरी पुरानी वीडियो याद, एक 2017 या 16 की वीडियो थी वो। हाँ, जिसमें मेरी पतली सी आवाज है, मैं बोल रहा हूँ गाइज आज आपको दिखाने वाला सारे अपने रावण, अपने एरिया के रावण दहन भी देखेंगे। डाल दूंगा वो वाली क्लिप स्क्रीन पे, तरह देखना। और करते हैं अपने आज के ब्लॉग को स्टार्ट। अभी मैंने कॉफ़ी ग्रैब कर लिया है और मैं अभी जा रहा हूँ। आज मैंने स्टारबक्स नहीं ली, आज मैंने टिम हॉर्टन्स लिया है, बिकॉज ये भी सही है, इक्वली गुड है। सही बात। अब हम जा रहे हैं अमन भाई के पास में, वो लेट कर रहे हैं, कह रहे हैं तू ऐसे क्यों करता है हमेशा। मैं बोला भाई पहले कॉफ़ी उसके बाद दूजा काम। भाई इन बंदों का तो रावण अभी तक लगा ही नहीं है, ये कब जलाएंगे इसको? अभी तो जा रहा है देखो ट्रक पे, और वो भी तीन आई थिंक के पूरे। जितने भी रावण है ना ये बनते हैं पूरे टैगोर गार्डन के अंदर। और जो एक रावण की कुछ कॉस्ट होती है 50 फुट की, वो 10-12 हज़ार रुपए के आसपास ये एक रावण जाता है। तो अगर आपको तीन लगाने हैं तो वहाँ पे जाके बात कर सकते हो, 10-15 दिन पहले ऑर्डर देना पड़ता है। बाकी जो छोटे छोटे रावण है 5-6 फुट के, वो तो अगर आप आज के दिन लोगे तो 3,000-4,000 रुपए के आराम से मिल जाते हैं। बट दिल्ली में पटाखे लगाना अब इनके अंदर अलाउड नहीं है, बिकॉज दिल्ली में जो क्रैकर्स है ना दिल्ली एनसीआर में हरे, वो बैन हो गए हैं दिवाली के चक्कर में। जगह जगह लगे हुए हैं ये देखो, अभी यहाँ पे पूरा तैयार कर रहे हैं। अंकल जी इन्होंने गाड़ी ले ली बिना पूछे। अभी मैं बता भी नहीं रहा वीडियो के अंदर कौन सी ली है, बस इतना दिखा देता हूँ ब्रांड ये है। लेकिन इसकी कौन सी पावरफुल गाड़ी आती है? पता नहीं, एक ही आती है, दो नहीं आती। हाँ तो देखा पहले गलत बोल दिया, कह रहे एक ही आती है। भाई मैंने अगले को बोला राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ गए, पता नहीं। हाँ मैंने कहा था ना कि इनको समझाना पड़ता है लेफ्ट राइट। इतनी गर्मी में झूला झूल रहे हैं यार, ये तो बहुत ज़्यादा ऊँचे हैं, लेकिन इनके अंदर पटाखे बिल्कुल भी नहीं है। अभी रात में डालेंगे ना? नहीं नहीं पटाखे बैन है ना, तो सिर्फ ऐसे चलता है। 3 साल से तो ऐसे देख रहा हूँ मैं बिना पटाखों का रावण। देख लो यार ये सारे रावण लगे हुए हैं, मेरे को जब भी आता हूँ ना यहाँ पे तो पुरानी वाली वीडियो दोबारा से याद आ गई मेरे को मेरी। ये रही वो वीडियो याद आया मुझे, कह रहे मैं आज तक कभी रावण जलता हुआ नहीं देखा अपनी आंखों से। मैंने बोला भाई हम तो लोगों से आंखों से देखते हैं, आप कहाँ से देखते हो? आज ये को आंखों से दिखाएंगे। हाँ नहीं हमेशा कहीं, शायद कहीं और से ना देखते हो ना हमेशा। और कौन सी जगह होती है देखने वाली? अंकल पे गिरा दिया उसको। ये क्या हरकत है? सही जगह गिरा, गलत जगह बच गए। अंकल जी कहीं और नहीं गिरा? आज फिर से पैंट फट जाती है ये देखो, इसके अंदर कोई भी बम नहीं लगा हुआ। मोदी नगर के अंदर भी यहाँ पे रावण लगे हुए हैं बिल्कुल मेन रोड पे, ये बहुत सही लग रहे हैं। लेकिन भाई इन लोगों ने तो बॉम्ब लगा दिए इसके अंदर, भाई इन लोगों ने तो बॉम्ब लगा दिए यहाँ तो बहनते। इन्होंने बोला भाई कोई बात नहीं हम लगाएंगे सारे के सारे। देखो इन लोगों ने गोले बम लगाए हैं इसके अंदर भर भर के, इसकी तो आवाज आपको अच्छी आएगी भाई, मजा आ जाएगा रस्सी वाले बॉम्ब में, वो भी मेन रोड पे बिल्कुल मोदी नगर। इन लोगों ने तो बम लगा दिए पूरे, भर दिया पूरा रावण अपने। कह रहे कोई बात नहीं बैन होता कुछ, हम तो रावण में बम लगाएंगे। ये गाड़ी ली है भाई ने, कैसी लग रही है? अच्छी है अंकल जी, बहुत अच्छी। क्या बात, गाड़ी कैसी लगी अंकल आपको? वीडियो ऑन होती ना सेकंड क्लास उल्टा पकड़ लिया, कह रहे पहले ऐसे था और एकदम से ऐसे पकड़ लिया। गाड़ी सही लगी आपको? बहुत अच्छी। लेकिन यार एसयूवी क्यों ले रहे हो? मैंने मना करा था ना एसयूवी आपको। अभी थोड़े दिन बाद बताऊंगा बजट कितना है भाई। एसयूवी मेरे को समझ नहीं आ रही यार, जो आप ले रहे हो ना एसयूवी। स्कोडा वर्कशॉप के अंदर भी यहाँ पे देखो उन्होंने रावण लगाया हुआ है। अब मैं जा रहा हूँ अपने सीधा घर, बिकॉज पापा मेरे को डांट रहे हैं कि तू अपनी गाड़ी खड़ी करके चला गया S4 मेरी गाड़ी के पीछे, तो जल्दी जल्दी आ जा। लेकिन अमन भाई के लिए अंकल खुश है। ये देखो यहाँ पे सारे रावण है बेच रहे हैं लोग, और ये 1,000-2,000 रुपए के देखो ऐसे ऐसे रावण मिलते हैं। ये देखो कितना 5 फुट का रावण है, और यहाँ पे छोटे छोटे रावण भी हैं देखो। एक तो भाई मैं तंग हो गया हूँ इस वाले आईफोन से 15 से, भाई ये इतना हैंग करता है, तो iPhone 15 Pro Max हैंग करता है यार, बहुत ज्यादा करता है। अभी व्लॉग बना रहा मैं, क्या हैंग? हाँ मैं ये कह रहा था कि जो रावण ये लोग बेच रहे हैं ना भाई, वैसे ही बहुत सस्ते प्राइस पे बेचते हैं, तो इनसे बार्गेन मत करना, बिकॉज इन लोगों के लिए भी इतने सारे बना के रखे हुए हैं। और वैसे ये भी व्लॉग में डाल रहा हूँ, दशहरा खत्म हो चुका है, तो आप रावण क्यों ही लोगे?
बट अभी हाई ग्रेड टिप दे देता हूँ भैया, अगर इनका बच जाता है तो एक साल बेचारे को संभाल के रखना पड़ता है। देखो ना कि अंकल इनका पैसा लगा हुआ उस पे। हाँ भैया, भाई लोगों ने मेन रोड पे लगा दिया। हाँ हाँ, इस रोड पे तो रावण ही रावण लगे हुए हैं, पीछे मैंने देखा, आगे भी देखो बहुत ज्यादा है इस बार तो मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा। या तो मैं रावण मेरे दिन हमेशा इतना निकलता नहीं था, चेहरे के दिन आज निकला हूँ तो देख रहा हूँ इतने सारे। ये देखो राइट में, ये देखो सामने, अपने रावण देखे कितने लग रखे हैं हर जगह। हाँ हाँ, यहाँ पे सब जगह लगे हुए हैं रावण बहुत सारे। तो आप चलोगे या नीचे? मम्मा का मन नहीं, मतलब शक्ल से पता लग गया। कभी होता नहीं है इतना, अभी वो आज भी कितनी अर्जेंसी में काम करके आई हूं। ये तो देखो मैं, क्या हरकत है ये? ये अभी पार्टी है आज। यस, हम आ गए रामलीला में और ये वाली सीटिंग हमको मिली है बिल्कुल वीवीआईपी। मैंने भाई को बोला कि यार चलते हैं रामलीला के अंदर, लेकिन भाई पहले गाड़ी फाइनलाइज करने के अंदर थे। अंकल जी पार्टी मांग लेना टाइम से, और मैं उधर गार्ड को ही बोल दिया कि मिठाई का डब्बा मिल जाएगा। मिलेगा मिलेगा, सही बात। अंकल जी का तो बोतल मिलेगी 2 लीटर वाली। कल भी साथ थे अंकित भाई और अभी भी आ गए हैं साथ में। और भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आकर के? रोड सारी बंद कर रखी है इन लोगों ने। JBR के अंदर तो पूरा इन्होंने एंजॉय करा है। फिर जाना चाहोगे वहाँ पे? अब कहाँ जाना चाहोगे? थाईलैंड? हाँ मैंने बोल दिया पटाया जाएंगे। हाँ थाईलैंड, थाईलैंड में ये 60 से सीधे 40 का हो जाएंगे। अंकल जी आप लड़ाई मत करोगे इसे, यहाँ पे सब दोस्ती में रहो। लड़ाई कर रहे हैं ना ये? गलत बात है ना? ना अंकल जी गलत बात, गलत बात। ये तो आप बना देते हो। क्या बना देते हो? कोड की दिक्कत यही वाली, अगर आप खोलोगे ना फोन को तो लोग सोचेंगे फ्लेक्स कर रहा है। हाँ वो खोलती लगता है कि भाई अमीरी आ गई है, 1.5-2 लाख का फोन है। और अमीरी देखो ना, ये आईपैड लेके चल रहे हैं साथ में, आईफोन साथ में। कितने ज्यादा बंदे हैं यार मेले के अंदर, ये तो मैं आप देख रहा हूँ ड्रोन से। भाई बहुत लेट हो गए हैं फिलहाल यार, यहाँ पे ऑलमोस्ट बैठे हैं 2 घंटे से। लेकिन यार रावण जी पता नहीं यार दहन कब होगा यार शुरू, वेट कर रहे हैं बहुत देर हो गई ना। इनके अभी पापड़ वाला आया, कह रहे पापड़ खिला दो मेरे को। पापड़ के साथ वाली चीज नहीं भैया, पापड़ वाले आ गए। पापड़ वाले भैया ये देखो सबके से पापड़ खाने में लगे हैं। अंकल जी का देखो, कह रहे साथ वाला सामान तो मेरे को मिला ही नहीं। अंकल जी की बात चल गई यहाँ पे, कह रहे मैं पिलाऊंगा आपको अब। भाई यार आप ये बातें करने आए हो अंकल जी? अंकल जी आप जुगाड़ कर रहे हैं पापड़ वापड़ सब कुछ खाने की बातचीत चल रही है। अच्छी बात है पापा आ गए, नहीं तो अभी लड़ाई हो जाती है यहाँ पे। अंकल तो लड़ गए सबसे, पापड़ वाले से भी लड़ गए और लोगों से लड़ गए यहाँ पे अंकल जी। वो तो आगे संभाल लिए उन्होंने। चलो जी अब हो गया शुरू रावण दहन, अब बारी है। भाई सब लोग इकट्ठे हो गए हैं तो यहाँ पे इसके अंदर देख रहे हैं और यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है, देख रहे हो जरा इतनी ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ है। बहुत लोग खाने में लगे, भाई वहाँ पे लोग मार पीट रहे हैं, लड़ाई हो रही है। एक लड़ाई हमने भी देख लिया आज मेले के अंदर। अंकल जी कहे तुम शादी में आयो? ये जलेबी, मम्मा ने बोला कि जलेबी खानी है तो अभी लेने के लिए आए यार। यहाँ पे ना बहुत ज्यादा अलग ही सीन चल रहा है, आप जरा खुद देखो भीड़ हो रखी है बहुत ज्यादा। इतनी ज्यादा यहाँ पे भीड़ है, अब हम थोड़ा निकले हैं घूमने के लिए। जलेबी अंकल जी पैक करवा रहे हैं, फिर जरा चलते हैं घर। मम्मा को जलेबी देंगे, पापा मम्मा ने खास बोला कि आज जलेबी लेकर आई हो तो शहरे पहले दिन तो लेकर आया हूँ, लेकिन भाई मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी, बेकार सी है। और बस छोड़ते हैं अंकित भाई उनके घर पे, ठीक है भाई मिलते हैं अगली बार। बिफोर दैट व्हाट वी आर गोना हैव,
वंस अगेन आप सब लोगों को हैप्पी दशहरा, और अपने खत्म करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे ही। बहुत थकावट हो गई है भाई, मतलब यार इतना ज़्यादा वहाँ पे बैठना पड़ा ना, अगर दोस्त वगैरह ना होते ना तो मैं बिल्कुल बोर हो जाता। बट वीडियो को लाइक कर देना बिल्कुल।